गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम खड़े हैं ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर। हम जा रहे हैं ग्वालियर। शाम के बज रहे हैं 6, हमारी ट्रेन आने वाली है, तो उसी के इंतजार में हैं। तो बस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो गाइस, अब हम ग्वालियर के लिए निकलने वाले हैं। हाँ तो गाइस, अब हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर देखने के लिए। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ तक हम पैदल ही जाएंगे। तो गाइस, हमें तानसेन नगरी में, तो यहाँ से बस 50 किलोमीटर दूर ही है तानसेन की साधना स्थली, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। फाइनली गाइस, हम सूर्य मंदिर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो गाइस, सामने दिखाई दे रहा है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल लिखा है। तो गाइस, हम आए तो हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2023 तक सभी श्रद्धालुओं का, आगंतुकों के लिए ये बंद रहेगा। इसका हमें काफ़ी खेद है जो हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसा ही बिल्कुल बनाया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं। इसका काफ़ी अफसोस है, इतनी दूर से आए और अंदर जा नहीं पा रहे हैं। हाँ तो गाइस, हम सूर्य मंदिर तो नहीं घूम पाए, लेकिन ग्वालियर में घूमने के लिए और भी कई जगह हैं, तो देखते हैं जो जहाँ घूम सकते हैं वहाँ हम जाएंगे। तो हमने ऑटो ले लिया है, तो अब ऑटो से जा रहे हैं। पहले हम यहाँ से जू जाएंगे, लेकिन उस बीच हमारे ऑटो वाले भैया ने बताया है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो काफ़ी फेमस है, और जीके में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है कि बहुत सारी जगहों के बारे में, तो वो भी देखने को मिलेंगी। तो बता रहे हैं ऑटो वाले भैया कि इसी रोड पर तो सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सामने आप देख सकते हैं, और इसके थोड़ी दूर आगे हमें रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा केंद्र भी देखने को मिलेगा, और ये सामने कृषि विश्वविद्यालय जो है वो काफ़ी फेमस है, वो देखने को दिख रहा है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें मेला ग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो मेला ग्राउंड थोड़ा आगे ही यहाँ पर एक वहाँ ग्वालियर में व्यापारिक मेला भराता है, तो वो व्यापारिक मेला जो स्थली है वो भी देखने को मिलेगी। हाँ तो गाइस, ये तानसेन नगरी है, इसलिए यहाँ पे तानसेन के नाम पे चौराहा बनाया गया है, तानसेन चौराहा। तो तानसेन चौराहा से आगे चलते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम जा रहे हैं फूलबाग। फूलबाग में यहाँ का चिड़ियाघर है, यानी कि जू, तो वहाँ पे अभी चलते हैं। तो हम फूलबाग पहुंच चुके हैं। फूलबाग में ऑटो वाले ने बताया कि ये पास से ही रास्ता है, तो पास के रास्ते से यहाँ से पैदल निकल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। वैसे यहाँ से 200-300 मीटर दूरी पर ही है। तो गाइस, यहाँ पे दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्क बनाए गए हैं। ग्वालियर में मैंने देखा है ज़्यादातर जगहों पर आसपास पार्क हैं, और पार्क में काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं। तो गाइस, जस्ट थोड़ी दूर बचा है एक पार्क क्रॉस करके, तो हम सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे रोड पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये स्ट्रक्चर शायद शुतुरमुर्ग का लग रहा है। हाँ तो गाइस, अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शुतुरमुर्ग का स्ट्रक्चर है।
हम पहुंच चुके हैं गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर में। तो उद्यान के सामने वहाँ पे हमें शेर, शेरनी और उसके बच्चे दिखाई देते हैं। तो अंदर चलने के लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा, तो चल के सबसे पहले हम टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ 50 रुपये का टिकट लिए, तो हम टिकट लेते हैं। अब हमें टिकट मिल चुका है, अब हम अंदर एंट्री लेंगे। टिकट चेक करना पड़ेगा, टिकट चेक करवाने के बाद अब हम चल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर शुरुआत में ही छोटा सा एक ताल बनाया है, इसमें हमें ऊपर कछुए बैठे दिखाई देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, यह है शुतुरमुर्ग जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग, तो इस बाड़े के अंदर शुतुरमुर्ग हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 शुतुरमुर्ग हैं। और इधर है स्लॉथ बियर, आप देख सकते हैं सामने हमें 2 स्लॉथ बियर दिखते हैं। अभी दोनों बैठे हुए हैं, वहीं इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे रेड ग्रीन मकाओ। एक्चुअली में सामने की ओर बैठे हुए हैं, बहुत ही शायद ही आपको दिखाई दे, वो सामने आप देख सकते हो तो वो दिख रहे हैं। और इस वाले में आपको ब्लू गोल्ड मकाओ दिखेगा। इस वाले में कोकाटू, ये भी काफ़ी अंदर की ओर बैठा हुआ है, वो वाइट कलर का। इसमें एक्चुअली में 2 दिख रहे हैं, 2 तोते दिखते हैं। सामने हमें स्लॉथ बियर का बाड़ा दिखता है, ये स्लॉथ बियर यहाँ पर देख सकते हैं हम। हाँ तो गाइस हम जो देख रहे हैं ये पक्षी देखने में तो शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं है, ये एमू पक्षी है जो कि मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का निवासी है। ये देखने में शुतुरमुर्ग जैसा ही लगता है। ये धरती पर दौड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, और इसमें लिखा हुआ है कि अक्टूबर से जनवरी के दौरान थोड़े से बाहर लग रहे हैं, हो सकता है नर मादा है, इसलिए नर तो पक्षी द्वारा गांधी प्राणी उद्यान के अंदर जगह जगह आपको QR कोड दिखाई देने को मिलते हैं। तो इन QR को हम स्कैन करके इन पक्षियों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा का काफ़ी ख्याल रखा गया है, हम देख सकते हैं कि जो बाड़े हैं उनके अंदर दीवार है, दीवार के बाद में यहाँ पे हमें पाइप भी देखने को मिलता है जिससे लोग भी सुरक्षित रहते हैं। और जहाँ देखते हैं सामने हमें एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, तो इस मगरमच्छ को देखकर हम समझ सकते हैं कि मगरमच्छ कितना भयानक होता है वैसे। और इसके मुंह भी खुला हुआ है, इसके अंदर एक स्लॉप दे रखी है, इसके अंदर से मार पार निकल सकते हैं। तो इसके अंदर हम फील ले सकते हैं कि मगर का पेट के अंदर हमें कैसा महसूस होगा। और यहाँ पर हम जाते हैं तो देखते हैं, ये हिप्पोपोटामस का बाड़ा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। हिप्पो, ये हिप्पो दिख रहा है। तो अभी थोड़ी गर्मी है, इस वजह से यहाँ पर हमें 3 हिप्पो दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों हिप्पो पानी के अंदर हैं गर्मी की वजह से, उन्हें वहीं पे फील आ रहा है ठंडा ठंडा। और कभी कभी बीच बीच में निकल के सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। जोर से हवा चल रही है, जोर से। इस वाले बाड़े के अंदर आप देखेंगे ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। एक्चुअली में यहाँ काला हिरण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर
हमें वाइट हिरन दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नज़दीक चल कर दिखाता हूँ मैं आपको। हालांकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं हिरन के अभी, पर काफ़ी सारे हैं। तो हम देख सकते हैं लिखा है कि कृष्ण मृग यानी कि काला बक, वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकेपरा। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे सुंदर प्रजाति है और ये प्राणी सबसे तेज गति से दौड़ते हैं। दौड़ने की क्षमता लगभग 100 से 104 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इनकी। और इनमें देख सकते हैं कि इनमें से कुछ के हमें सिंह दिखाई दे रहे हैं, कुछ के सिंह नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि केवल नर हिरण के ही सिंह होते हैं, मादा के नहीं होते हैं। कुछ हिरण सामने वाले बाड़े के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमें कई तरह के अलग अलग पौधे दिखाई देते हैं। जैसे ये दिख रहा है हमें करंज का पौधा है। तो यहाँ पे पशुओं के साथ साथ कई प्रकार के पौधों को भी संरक्षित किया गया है। यहाँ सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। बाड़े की दीवार के पास पौधे लगा के एक अलग से पाइप की एक दीवार बनाई गई है, जिससे लोग थोड़ा उससे दूर रह सकें। और हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें एक हिरण दिखाई दे रहा है और यही काला हिरण है। क्योंकि अभी बच्चा है इसलिए इसका कलर अभी पूर्ण रूप से काला हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे बड़ा होगा इसका रंग काला दिखाई देगा। एक हिरण हमें नीचे दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये हिरण ने इसको बोलते चिकारा, ये चिकारा है। इसके पैरों के नाखून काफ़ी बढ़ चुके हैं तो इसको चलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं चिकारा के बारे में, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे टर्टल, भारतीय फ्लैपशेल कछुआ। हालांकि कछुआ में दिखाई तो नहीं, चलिए पानी के अंदर है वो। यहाँ से थोड़े दूर पर हमें वहाँ पे छोटे छोटे कछुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज के दिन थोड़ी काफ़ी गर्मी है, इस वजह से पानी के अंदर हैं। हाँ तो गाइस, हम देख सकते हैं इस जानवर। तो गाइस अभी आप जिसको देख रहे थे ये है इंडियन वुल्फ, यानी कि जिसे हम भेड़िया कहते हैं। आम भाषा में इसे भेड़िया कहा जाता है, इंडियन वुल्फ। तो गाइस देख सकते हैं आज मैं खुद पहली बार भेड़िया देख रहा हूँ। केवल अभी तक मूवीज़ में या फिर टीवी शोज़ में भेड़िया देखा था। देख सकते हैं किस प्रकार से ये बार बार घूम रहा है। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ऐसा क्यों चक्कर लगा रहा है, और ये रुक नहीं रहा है। बस गोल 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 चक्कर लगाया जा रहा है। जैसे कोई परिक्रमा कर रहा है। देखो आप किस प्रकार से किधर घूम रहा है। ये इधर से जा रहा है, उस पेड़ के पास से राउंड लेकर वापस से पेड़ के पास आ रहा है, और फिर राउंड ले रहा है। ये अब देख सकते हैं अब मगरमच्छ को, क्रोकोडाइल, कितने सारे क्रोकोडाइल। सब यहाँ पे गहरी नींद में, सब छाँव में और छाँव का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं गिन के बता सकता हूँ कि आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। लगभग यहाँ 12 मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। गाइस मैंने आज पहली बार मगरमच्छ को इतने पास से देखा है। मुंह खोल के सोए हुए हैं। यह घड़ियाल जो कि गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र, महानदी एवं उनके सहायक नदियों के अंदर मिलते हैं। देखने में तो मगरमच्छ जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका
जो मुंह है थोड़ा सा लंबा होता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, एक्चुअली में थोड़ा सा मुझे तो ये मगरमच्छ से थोड़ा ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। और किस तरह से उसने अपनी चोंच खोल रखी है देखकर डर लगता है, और मगरमच्छ से थोड़ा ज़्यादा भयानक भी दिखाई दे रहा है, हालांकि चोंच पतली है। लेकिन गाइस ये भी है तो बहुत ही ख़तरनाक जानवर, चाहे वो मगर हो चाहे वो एलिगेटर। आपका किसने थोड़ा सा तो गाइस हम अब चलते हैं स्नैक हाउस के। तो स्नैक हाउस में यहाँ बहुत तरह के सांप हैं। एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा अंधेरा जैसा है इसलिए आपको शायद वहाँ पे सांप दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ पे एक इंडियन पाइथन, इसके बाद में कॉमन रेड सेंट स्नैक है, सेंट स्नैक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें और भी सांप देखने को मिलेंगे। जैसे रसल वाइपर, जहाँ रसल वाइपर है दिखाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा नीचे की ओर बैठा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा एक मटका ऐसा रखा है उसके अंदर, और यहाँ मॉनिटर लिजार्ड देख सकते हैं हम। मॉनिटर लिजार्ड से हम गांव की भाषा में गोयरा बोलते हैं। तो जो मॉनिटर लिजार्ड है वो सामने की ओर बैठी हुई है, सामने की ओर बैठी हुई है, वो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है। तो उसके नाखूनों से कांच पर घिसने की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। यहाँ पर है गोधा, ये सामने के ऊपर जो बैठा हुआ है, चूँकि उधर से रोशनी आ रही है इस वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है। इसे इगुआना भी बोलते हैं। गाइस अब आगे चलते हैं। तो गाइस अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चिड़ियाघर में और क्या क्या हमको दिखाई देते हैं। एक्चुअल में हमें जो सामने बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें ब्लैक हेडेड वाइसेस, पैंटेड स्टॉर्क, ब्लैक स्वान यानी कि काला हंस, हवासिन, जालासिन, हवासिन दिखाई देते हैं। तो गाइस ये तो है हमारी ब्लैक हंस, वो बैठी हुई है जो है हमारे वाइट यानी कि सफेद हंस। सामने भी हमें यहाँ से कुछ और जीव दिखाई दे रहे हैं। गाइस हमें यहाँ पे हमें सफ़ेद मोर भी दिखाई दे रही है जो बिल्कुल सामने की ओर खड़ी हुई है, और अलग अलग तरह के और तरह के पक्षी हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी रही काली हंस। तो गाइस ये हमारी सफ़ेद हंस यहाँ बैठी हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं मैंड्रिन डक को, ये बैठी है मैंड्रिन डक जो कि पानी में नहा रही है। काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर है, इसके पंखों को अगर थोड़ा मैं जूम कर सकूं तो देखते हैं कि किस प्रकार से कितने सुंदर दिखाई देते हैं। काफ़ी सुंदर दिख रही है, कैमरे में शायद इतनी अच्छी नहीं आ रही हो लेकिन वास्तव में बहुत अधिक सुंदर दिख रही है। लकड़ी की बतख यानी कि वुड डक, तो वुड डक भी है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये जो हमें दिख रही है सामने, ये तो हमारी मैंड्रिन डक है,
और यहाँ पर जो ये सामने की ओर आगे की ओर बैठी हुई है ये वुड डक है। तो ये वुड डक और मैंडरिन डक साथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे फूड स्टोर है, यहाँ पे इनके फूड रखा जाता है, मतलब यानी कि उनका दाना वगैरह को रखा जाता है। यहाँ पे कुछ जियो को रखा गया है, जिसमें से यहाँ पे एक सिल्वर प्लीसेंट, सिल्वर फीसेंट यानी कि चीनी मुर्गी, ये आप देख सकते हैं चीनी मुर्गी को, ये चीनी मुर्गी है। दिखने में तो मुर्गी जैसी है लेकिन इसके ऊपर, इसकी चोंच के ऊपर लाल रंग का चमड़ी है और इसके ऊपर काले घने बाल दिखाई दे रहे हैं सर पे, छोटी जैसे जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो ये पक्षी है इनका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, हालांकि इसके अंदर तीन पक्षी हैं अब जिनके नाम पता नहीं है। एक बदमाश स्क्वायरल गैलेरी इसके अंदर घुस गई है इनका दाना खाने के लिए, एक्चुअली में दो घुसी हुई है। गाइस यहाँ पे हमारा तोता इसके अंदर है, जो कि हमारा नॉर्मल तोता हमें दिखाई देगा वही वाला। और यहाँ पे मैना पक्षी है जो भी हमारे यहाँ दिखाई देती है, गाइस इसे बोलते हैं मैना पक्षी। गाइस यहाँ पे है एलेक्टस तोता, हम देख पा रहे होंगे, हालांकि चित्र में यहाँ दो तरह के मेंशन हुए हैं लेकिन यहाँ एक्चुअल में एक ही बैठा हुआ है। यहाँ कालीज देख सकते हैं हम, इस पक्षी का नाम कालीज है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे गुलाबी माला तोता, ये वाला तोता ज़रूर मैंने अभी तक नहीं देखा था, हरियाली तोता। तो ये है हरियाली तोता जो कि पूरा ग्रीन है लेकिन एक्चुअल में ये लाइट ग्रीन सा है, कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है बाकी तोतों से। और गाइस ये तोते बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये वाले तोते। और इन तोतों की आप देख सकते हैं प्रकार से, हाँ तो गाइज अब हम जो देखने जा रहे हैं वो बहुत फेमस जंगल बुक में है, वो है शेर खान। तो ये शेर खान यानी कि टाइगर, तो टाइगर को दिखाता हूँ मैं। तो ये भाई साहब सामने गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये यहाँ पे गहरी नींद में सोए हुए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हुए, नहीं तो इनकी दहाड़ सुन के हम वैसे ही डर जाते। हालांकि सेफ्टी का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ पर बहुत घेरे खाई बनाई गई है जिससे कि ये जानवर इधर जंप लगा के आना सके, क्योंकि वैसे भी ये जानवर बहुत ज़्यादा भारी होता है तो इतनी गहरी खाई को ये कूद कर इधर नहीं आ सकता। गाइस ये चिड़ियाघर की सैर करने के लिए एक छोटी सी एक रेलगाड़ी भी बनाई गई है, जो कि मूल रूप से छोटे बच्चों को घुमाने के लिए होती है। इसके इसमें बैठ के बच्चे इस पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। हाँ तो गाइस अब हम जो सामने जानवर देख रहे हैं वो है लेपर्ड, जिसे पैंथर भी बोलते हैं और आम भाषा में इसे तेंदुआ कहा जाता है। तो ये तेंदुआ सामने की ओर बैठा हुआ है जो सोया हुआ है। तो ये तेंदुआ बिल्कुल चीते जैसा दिखाई देता है लेकिन चीते से अलग होता है, चीता थोड़ा कम वजन का होता है लेकिन तेंदुआ थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो ये जानवर कई बार गाँवों में अटैक कर देता है तो लोग इससे काफ़ी दहशत में रहते हैं और लोग समझते हैं कि चीता है पर वो तेंदुआ होता है।
हाँ तो दोस्तों, जो जानवर हम देखने जा रहे हैं वो है द जंगल किंग, यानी कि लॉयन। तो सामने के बाड़े में हमें लॉयन दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये शेरनी है, और शेरनी के साथ यहाँ उसके 3 बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो गार्ड वगैरह है उनसे पूछने पर पता चला कि शेरों को यहाँ पे 2 शेर है, और दोनों शेरों को अभी पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। उन्हें केवल सुबह सुबह छोड़ा जाता है, और दोपहर में शेरनी और उनके बच्चों को छोड़ते हैं। दोनों को अलग अलग समय पर छोड़ते हैं। तो अभी हम शेर देख नहीं पा रहे हैं, पर हमें सामने शेरनी और उसके 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा का काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बहुत गहरी सामने की ओर नीचे की ओर एक खाई बनाई गई है, तो इस खाई को आसानी से ये जानवर कूद नहीं सकते हैं, जिससे लोग सुरक्षित रहते हैं। गाइस, हम सामने शेर के बच्चों को घूमते हुए देख सकते हैं। वास्तव में तो मैं यहाँ शेर देखने आया था, लेकिन शेर अंदर है तो काफ़ी निराशा है, लेकिन ठीक है, शेर के बच्चे देख लिए। हाँ तो गाइस, हमने पूरा ज़ू घूम लिया है। अब ज़ू घूमने के बाद अब हम ज़ू से एग्ज़िट करने वाले हैं, और इसके बाद देखते हैं आगे का प्लान करते हैं। तो अगला रहेगा जिब्राल्टर, यानी कि ग्वालियर फोर्ट देखने का। तो वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए ग्वालियर फोर्ट को हम दूसरे वाले वीडियो में दिखाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।